दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा इन टर्निंग विद लेक्सिस एंड कंपनी। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है इज वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो लाइक वॉइड मैरिज मतलब सेक्शन 11। सो एनी मैरिज जो भी सोलमनाइज हुई है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाई ईदर पार्टी देयर टू अंगेज द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर्ड बाई अ डिग्री ऑफ नलिटी इफ इट कंट्रावीन करती है एनी वन ऑफ द कंडीशन जो कि स्पेसिफाइड है इन क्लॉज फर्स्ट में फोर्थ में एंड फिफ्थ ऑफ सेक्शन 5 में एंड थस अ मैरिज विल बी वॉइड एब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से वो मैरिज वॉइड होगी इफ एनी पार्टी टू मैरिज हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज यानी सेक्शन 5(1) का जो प्रोविज़न है वो बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी लाइक पार्टी जो मैरिज की है यानी शादी करने वाले हैं उनका जो हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ शादी के टाइम पे उनका जो भी स्पाउस है वो लिविंग है तो वो जो मैरिज है वो लाइक विल बी वॉइड एब इनिशियो होगी एंड द सेकेंड प्रोविज़न इज इफ द पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टमर यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट सच अ मैरिज यानी सेक्शन 5 का फोर्थ जो प्रोविज़न है सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4th ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अगर उसमें मेंशन है दैट अगर जो पार्टीज़ शादी करते हैं विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज में लाइक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में तो वो भी शादियां जो वो भी मैरिजेस होंगी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो वॉइड होंगी एब इनिशियो एंड द थर्ड वन इज इफ द पार्टीज आर लाइक स्पिंडाज ऑफ ईच अदर यानी स्पिंडाज हैं एक दूसरे पे अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट सच अ मैरिज कि अगर वो परमिट नहीं करते लाइक वो उस लाइक मैरिज को तो भी वो वॉइड होंगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड जैसे सेक्शन 11 इसमें एक लाइक एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन है दैट सेक्शन 11 जो है इज़ नॉट एप्लीकेबल वो एप्लीकेबल नहीं होगा टू मैरिज सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कि ये जो सेक्शन 11 है वो उन शादियों पे लाइक उन मैरिजेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो शादियाँ लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के बाद में सोलमनाइज हुई हैं एंड बिफोर लाइक एग्जांपल बोल सकते बिफोर 18th May 1955 टू सच मैरिज मे बी वॉइड अगर 18th May 1955 से जो पहले शादियां हुई हैं वो मैरिजेस वॉइड होंगी। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ कोई भी लीगल क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।